तो हाँ, तुझे इन टारगेट को इन बलून से हिट करना है और तुझे ऐसे 3 मुश्किल टास्क और परफॉर्म करना है, और जो ये चैलेंज जल्दी परफॉर्म करेगा उसे मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा प्राइज। ओ भाई मार भी दिया, ओ एक पे लग गई, ओए इससे आगे मत जा। ठीक है। ओ गाइस एक मिस हो चुका है, और मैं आपको एक रूल बताना भूल गया, अगर इसके 2 से ज्यादा बलून मिस हो गए तो ये चैलेंज यहाँ पर हार जाएगा और फिर मैं चैलेंज परफॉर्म करूंगा और फिर मैं जीत के प्राइस जीत जाऊंगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। ओ गाइस एक लग चुका है, मतलब 2 लग चुके हैं, मिस, फिर से मिस, और गाइस ये भी लग चुका है। तो अब इसके बाकी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बाकी है, और वो और ये भी इसका लग चुका है, और गाइस एक कौन सा लग चुका है। तो अब इसके सिर्फ एक पोस्टर और बाकी है, मिस हो गया यार। तो इसका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, चलते हैं सेकंड टास्क पे, टाइम जा रहा है फटाफट। आगे टास्क तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये तो कुछ भी नहीं था। तो आज के हम सेकंड टास्क पे, अब हम इस डब्बे को फ्लिप करेंगे और मैं ले रहा हूँ अबव 7। और आपको इस गेम के बारे में तो पता ही होगा, अगर इसके 7 से ज्यादा आ गए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो इसे एक और टास्क करना पड़ेगा, वो है स्टोन पेपर सीजन मेरे साथ। ठीक है, समझ गया। तो इस नए बॉस को उछाला है और यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा। तो गाइस इसका है क्या पता, देखते हैं। 9 भाई। तो इसका है 9, मतलब 7 ज्यादा है, मतलब टास्क कम्प्लीट करता है, इसको मेरे साथ स्टोन पेपर सीजन नहीं खेलना पड़ेगा। चलते हैं टास्क 3 पे। तो ये आ गए हम टास्क 3 पर, यहाँ पर इसको क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद इसका टास्क खत्म, और अगर ये आंसर नहीं दे पाया तो इसको एक और चैलेंज करना है। ये है क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दे, जल्दी से जल्दी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोग देख सकते हो, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है मुर्मू जी, फुल नेम चाहिए यहाँ पे, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो उस एरिया में ढूंढना पड़ेगा फुल नेम, वहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। यार फुल नेम का तो ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे मत करो यार, फुल नेम देना होगा। टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, रियल में नहीं बताया गया, यह देश बदल रहा है। दून, दून, जल्दी ढूंढ, इतना सा एरिया है यार, इसमें आराम से मिल जाएगा। मैंने लोग गाड़िया नहीं देख, प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पता। अरे दोस्तों अब कैसे ढूंढू मैं। अरे इतना बड़ा एरिया, ऊपर से कह रहा इतना छोटा है, इतना बड़ा पेपर कहाँ से ढूंढूंगा मैं इतने छोटे एरिया में। वो दोस्तों मिल नहीं रहा मेरा, 1 मिनट ऊपर चला गया दोस्तों। इधर उधर भी नजर रखनी पड़ेगी, इधर उधर भी कहीं हो सकता है, इधर उधर। क्या इस सर्कल के बाहर भी रखा है? इसके बाहर भी हो सकता है, ये तो दोस्तों रूल के खिलाफ है, आप कमेंट जरूर करना। पूरे बाहर में कहीं भी हो सकता है, यही तो टास्क है। बहुत तेज है भाई, कोई हिंट दो यार, ऐसे तो पूरा बड़ा पार्क मैं ढूंढूंगा। चलो बहुत बड़ा पार्क है, थोड़ी बेरहमी इनके लिए, थोड़ी बेरहमी हो जाएगी अगर पूरा पार्क देंगे तो, इसलिए हिंट दे देते हैं। जहाँ से पूरे पार्क में रोशनी गिरती है उसको देखो, अभी तो ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो, वहाँ से नहीं, ये तो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल रोशनी गिरती है। आर्टिफिशियल तो ये भाई, इसके ऊपर चढ़ूंगा क्या मैं? हो सकता है ऊपर हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो, ऊपर जा चढ़ूंगा मैं, कोई बांदा थोड़ी हूँ नए जमाने का। ओ ये क्या भाई, अच्छा यही आंसर है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, आंसर मिल गया दोस्तों, तो हो गया चैलेंज खत्म, और परफॉर्म करेगा हमारा कैमरा, ये दूसरा प्लेयर, और रूल सारे सेम है और टाइम इसने अपना स्टार्ट कर दिया है। अरे भाई साहब का 1 लग गया भाई साहब, खतरनाक। अरे भाई साहब दूसरा भी लग गया। ओ भाई साहब तो मतलब तैयार नहीं है। ओ भाई साहब तीसरा खतरनाक भाई, मैं तो शॉक गया। ओ भाई 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 लगता है भाई को तो भी लग रहे हैं। ये मैं जल्दी कंप्लीट कर लिया, चलते हैं सेकंड चैलेंज पे, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। ये तो तूने कहने वाली बात कर दी, पर जीतूंगा तो मैं ही। तो गाइस ये है और ये बॉस है बिलो 7, और मैं लेता हूँ इस बार बिलो 7, आ जाओ। ओ भाई साहब रिस्क ले रहा है बंदा, अच्छा। ओहो किस्मत का डब्बा नीचे आ चुका है। अरे गाइस ये आ गया अबव 7, ये क्या हो गया, आप देख सकते हो 10 आ गए हैं गाइस, 10 ये आ गए हैं अबव 7 में। तो मैंने तो कहा था कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा, तो रिस्क लिया और मैं हार चुका हूँ, अब मुझे इससे करना है स्टोन पेपर सीजन। तो बेस्ट ऑफ 3 होंगे, आजा स्टोन पेपर सीजन। अरे यार स्टोन पेपर सीजर, तो गाइस मैं जीत चुका हूँ फर्स्ट, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, वो मैं जीत चुका हूँ, बेस्ट ऑफ 2 था, 2 जीत गया मैं। अब चलते हैं टास्क 3 पर, बाकी का टास्क 3 पे आ चुका हूँ, सांस एकदम फूल रही है और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है यार। ये इसका क्वेश्चन ले भाई, ऐस कर भाई, यूट्यूब के लिए पढ़ना पड़ेगा लगता है। एक भाई ऐसा क्रिकेटर जो बिना हेलमेट के फेलेस बैटिंग करता है, कौन है भाई? क्रिस गेल? नहीं भाई नहीं है वो, क्रिस गेल नहीं है, उसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ एक बार बता बता।
बिना हेलमेट के कह रहा हूँ, बिना हेलमेट के बैटिंग करता भाई, बिना हेलमेट के। कौन सा भाई तो माता फूट सकता है, सोच कौन होगा ऐसा भाई। बहुत आसान है भाई, अच्छा अच्छा बंदा जानता है उसको। नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा रहता है, स्ट्राइकर पे खड़ा रहता है, मुझे नहीं पता। चींटियां हैं, हां यही होगी। थोड़ा ढूंढना शुरू कर दे। ओके टाइम जा रहा है और धूप बहुत तेज है भाई। ऐसी जगह मिला दूंगा तो मैं तुझे बहुत आसान ना मतलब जीता दूंगा। है हल्के में ले रहा है क्या मेरे को भाई? तू जीतने वाला नहीं है, जीतूंगा तो मैं ही 101%। मेरे साथ तो खेल कर दिया था भाई कैमरामैन ने इस बार तो, कि पूरे मान सक रहे। नहीं नहीं नहीं, तेरा इसी सर्कल के अंदर है, मैं चोट नहीं करता तेरी तरह। भाई ढूंढना क्या हुआ। उस समय तो बहुत हंस रहा था कैमरा पकड़ते समय तो। भाई की हालत काफी टाइट हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो कब से अपना मतलब पैर मसल रहे हैं कब से। क्या हुआ भाई, ढूंढना गया कि ये भाई अपना एक मिनट बताएगा, सोच ले। तो भाई जीतना तो मेरे को ही है मैच में, इस गेम में तो मैं जीतूंगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? 10 मिनट हो गए, कहां पर है यार। मैं ही जीतूंगा दोस्त, मैं ही। क्या हुआ भाई, बोल दे अभी बोल दे, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। हार मान ले भाई। हार मान ले भाई, एक मिनट ही तो ज्यादा लगेगा, जीतूंगा ही तो मैं, बस एक बड़ा प्राइस मिलेगा मेरे को। मुझे जीतने दे यार, परसेंटेज चल लेता मुझे भाई, मुझे जीतने दे, मैं तो 50% उसमें से दे दूंगा भाई। इतना क्या रो रहा है भाई, कहाँ पर है भाई? तू मुझे दे दे, मैं 50% तेरे को दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा भाई? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 50% दे दे, मैं तो जीता दूंगा। अरे भाई नहीं मिलेगा, मेरा हाथ लग नहीं रहा कि डाला है इसके अंदर। अरे 101% डाला गाइस, मैं यहीं से निकालूंगा आपके सामने। हार जा भाई, कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैंने छुआ कोई काम से नहीं भाई। तेरे 12 मिनट हो चुके हैं एक्स्ट्रा, 12 मिनट भाई देख। 12 आखिरकार मैं यहां पर हार मानता हूं। यस गाइस, अब मैं निकालूंगा पेपर। याद है मैंने कितनी बार पांव फिराया, इनविजिबल हो गया था क्या गाइस? और जो आंसर है वो है Viv Richard सर। तो विनर को मिलेगी इस वीडियो की पूरी एंडिंग, इसलिए ज्यादा ज्यादा शेयर करो वीडियो को जिससे इसकी एंडिंग ज्यादा हो सके। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तब आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।